नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जानकारी के खजाने में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, उम्मीद का दिया। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले एक दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की लोगों को कोई कदर नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं बुझ जाऊं। वह दिया खुद को वैध समझकर बुझ गया। जानते हैं वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। यह देखकर दूसरा दिया, जो शांति का प्रतीक था, कहने लगा, मुझे भी बुझ जाना चाहिए। निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं और शांति का दिया बुझ गया। उत्साह और शांति के दिए के बुझने के बाद जो तीसरा दिया हिम्मत का था, वह भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। उत्साह, शांति और अब हिम्मत के न रहने पर चौथे दिए ने बुझना ही उचित समझा। चौथा दिया समृद्धि का प्रतीक था। सभी दिए बुझने के बाद केवल पांचवा दिया अकेला ही जल रहा था। हालांकि पांचवा दिया सबसे छोटा था, मगर फिर भी वह निरंतर जल रहा था। तब उस घर में एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि उस घर में सिर्फ एक ही दिया जल रहा है। वह खुशी से झूम उठा। चार दिए बुझने की वजह से वह दुखी नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ। यह सोचकर कि कम से कम एक दिया तो जल रहा है, उसने तुरंत पांचवा दिया उठाया और बाकी के चार दिए फिर से जला दिए। जानते हैं वह पांचवा अनोखा दिया कौन सा था? वह था उम्मीद का दिया। इसलिए अपने घर में, अपने मन में हमेशा उम्मीद का दिया जलाए रखिए। चाहे सब दिए बुझ जाए, लेकिन उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए। यह एक ही दिया काफी है बाकी दियों को जलाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।